मनुष्य हर पल हर समय सुख की कामना करता है, सुख को खोजता है। पंच विषय में, भौतिक सुखों में, अपने रिश्तेदारों परिजनों में, अपने आप में, किंतु परिणाम स्वरूप वो होता है दुखी, अशांत एवं उदास। कहाँ है सच्चा सुख? कौन है सुख का स्वरूप? क्या है शांति का एहसास? कैसा होता है निश्चिंतता का अनुभव? तो आओ सच्चे मन से खोज करें, कहाँ है सच्चा सुख? प्रसंगम अजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः सह एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रभु के धारक प्रकट संत ही सुख का मूल स्वरूप हैं। उनसे ही सच्चे सुख का अनुभव होता है। उनके दर्शन से प्रभु के दर्शन तुल्य शांति की अनुभूति होती है। भगवान स्वामी नारायण ने ऐसे ही सुख और शांति का अनुभव लाखों भक्तों को करवाया और आज भी गुणातीत संत परंपरा के रूप में ये अनुभव जीवंत है। प्रकट गुरु हरि परम पूज्य हरि प्रसाद स्वामी जी भगवान स्वामी नारायण की गुणातीत संत परंपरा के वर्तमान ज्योतिर्धर हैं। उनके योग में आने वाले व्यक्ति को उनके स्पर्श में सच्चे प्रेम का दर्शन होता है। उनकी आंखों में निस्वार्थ और निरपेक्ष अप्रतिम वात्सल्य प्राप्त होता है। उनका सानिध्य मन के अनुत्तर प्रश्नों का उत्तर बन जाता है। उनके दर्शन मात्र से नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। आसुरी शक्तियों का शमन होता है और सहृदयी आत्मीयता प्रकट होती है। वे हमारे अश्रु ग्रहण करते हैं और हमें सहज आनंद प्रदान करते हैं। वे धर्म परिवर्तन नहीं अपितु आत्मा के संस्कार परिवर्तन का कार्य करते हैं। उनका दिव्य सानिध्य हमारे जीवन को उत्सव बनाता है। उनका संकल्प है एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो अपने समाज के प्रति कृतनिश्चयी हो, जो अपने परिवार के प्रति वफादार हो, जो अपने आप में प्रभु का मंदिर हो। इन युवाओं के दिलों में राष्ट्रभक्ति, गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति का समन्वय हो, जो अपनी इंद्रियों और अंतःकरण से पवित्र जीवन जीने के लिए कटिबद्ध हो। ऐसी पवित्र युवा पीढ़ी और आत्मीय समाज का सर्जन करने हेतु वे अथक एवं अविरत परिश्रम कर रहे हैं। न किंचित भी विश्राम की ओर आसक्ति, न देह सुख की लेश मात्र अपेक्षा, केवल भक्तार्पण जीवन जीते हुए गुरु हरि स्वामी श्री का संपूर्ण अस्तित्व केवल गुरु भक्ति का अर्घ्य बना हुआ है। उन्होंने गुरुवर्य योगी जी महाराज के चरणों में संप सुहृदय भाव और एकता से जीवन जीने वाले भक्त समाज का अर्घ्य अर्पण किया है। इस हेतु उन्होंने हजारों घरों में पधरावनी की है। लाखों मुमुक्षुओं से वे मिल चुके हैं।
આનંદ તમારો મળ્યો છે સહજમાં, ઓ સંબંધ તમારો મળ્યો છે સહજમાં, સંબંધ તમારો મળ્યો છે સહજ. અનગિનત પત્ર લિખે હૈ સાવી મુઝ પર, વરસા ભી મુઝ પર, વરસા ભી મુઝ પર અકારણ કરુણા. યુવા પીઢ઼ી કે ઉત્કર્ષ કા સેવા યજ્ઞ સાકાર કરતે હુએ ઉન્હોને અબ તક 25 લાખ કિલોમીટર કી યાત્રા કી હૈ. ધામ થી આવ્યા ભક્તો ને કાજે, ધામ થી આવ્યા उनकी निस्वार्थ और निरपेक्ष हृदय भावना के कारण 75 युवाओं से शुरू हुई ये मंगलकारी संकल्प यात्रा आज 75,000 युवाओं की विशाल सेना में फलीभूत हुई है. सहजानंदी सिंह समान इन युवाओं का स्वधर्म ही उनकी पहचान बनी है. इन युवाओं का जीवन ही हिंदू संस्कृति और संस्कार का परिचय बना है. और आज ये सभी युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सर्वांगीण विकास की ऊंचाई पर ले जा रहे हैं. श्रद्धेय स्वामी हरिप्रसाद जी महाराज ने यह शब्द नहीं दिया है, इस ज्योति जागृत की हमारे हृदय में आत्मीयता के अमूल्य रत्न के सामने हीरे मोती कंकड़ पत्थर के समान कहां टिकते हैं. ये आत्मीयता का परम धन हमारे हृदयों में प्रतिष्ठापित हो, हमारा सारा दारिद्र्य दूर हो जाए, आत्मीयता की ज्योति हमारे हृदय में जागृत हो, हमारे चित्त का सारा अहंकार दूर हो जाए, यही अमृत है. आत्मीयता अमृत है. परम पूज्य हरि प्रसाद स्वामी जी का एक ही कल्याणकारी संकल्प है, सभी के हृदय में संप सुहृदय भाव और एकता को प्रस्थापित करना. ભવ્ય સ્વરૂપ તો દર્શન અંતર આંખે થયો, ઓહો ભવ્ય સ્વરૂપ તો દર્શન અંતર આંખે થયો, અવની એકો તારાજે હું છે નહીં ના કોઈ થવાનો, ઓ હો હો ભવ્ય સ્વરૂપ તો દર્શન અંતર આંખે થયો, અવની એકો ના કોઈ થવાનો, ઓ હો હો ભવ્ય સ્વરૂપ તો. ઉનકા એક હી ધ્યેય હૈ પરિવારો કો આત્મીયતા સે જોડના, ક્યુંકે આત્મીયતા હી સુખ કા સ્વરૂપ હૈ, શાંતિ કા અહેસાસ હૈ, નિશ્ચિંતતા કા અનુભવ હૈ. જેમ કૃષ્ણને યાદ કરીએ ને મોર પીછી યાદ આવે, ગાય યાદ આવે, એની વેણું યાદ આવે, એમ સ્વામીજીનું સહજ સ્મરણ થાય એટલે આ શબ્દ હંમેશા મારા મનમાં તુરંત આવ્યો છે, અને એ આત્મીયતા. તો આવો
संप एवं सहृदय भाव से मिलकर एक नया राष्ट्र बनाएं, आत्मीयता के दीप जलाएं, सच्चे सुख का अनुभव पाएं। मनुष्य हर पल हर समय सुख की कामना करता है, सुख को खोजता है। पंच विषय में, भौतिक सुखों में, अपने रिश्तेदारों परिजनों में, अपने आप में, किंतु परिणाम स्वरूप वो होता है दुखी, अशांत एवं उदास। कहाँ है सच्चा सुख? कौन है सुख का स्वरूप? क्या है शांति का एहसास? कैसा होता है निश्चिंतता का अनुभव? तो आओ सच्चे मन से खोज करें, कहाँ है सच्चा सुख?